हाँ जी बेटा, आज हमने करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का बेटा फॉर्मूला लिख लो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आर फैक्टोरियल। हाँ जी बच्चों, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे हम, ठीक है। तो इसके सम नंबर बेटा पहले निकाल लो, हाँ जी बेटा सम नंबर 53 निकाल लो, हाँ जी बेटा सबसे पहले मुझे 53rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ये बताओ इसमें कैपिटल एन क्या है। कैपिटल एन बताना है आपको, एक बेटा एन बताना है और एक पी, ये तीन वैल्यूज मुझे बताओ 53rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट। हाँ जी बेटा बताओ कैपिटल एन की वैल्यू। वेरी गुड सर, सर सम नंबर 52 करवा दो एक बार, अभी जो चल रही है टाइप उसके बाद देखेंगे, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, डाउट बाद में ले लेंगे। हाँ जी बेटा देखो इधर, सबसे पहले कैपिटल एन, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है। हाँ जी बेटा 10,000, कैपिटल एन बेटा है 10,000। एन की वैल्यू बेटा दे रखी है 10 और पी बेटा दिया हुआ है 1/500। हाँ जी बेटा 10,000 ब्लेड के पैकेट हैं, 10,000 बेटा ब्लेड के पैकेट हैं। एक पैकेट में कितने ब्लेड है, एक पैकेट में बेटा 10 ब्लेड है। 10,000 पैकेट्स हैं ब्लेड के और एक पैकेट में बेटा 10 ब्लेड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 1/500। पूछा क्या आपसे, हाँ जी बेटा फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा हुआ है, कंटेनिंग वन डिफेक्टिव ब्लेड, नो डिफेक्टिव ब्लेड, आर की वैल्यू बेटा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव का मतलब फॉर्मूला लगाओ। हाँ जी बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू पावर माइनस एम, एम रेज टू पावर आर अपॉन एम, बेटा क्या होगा बताओ, एम, एम का फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू एन पी, एन की वैल्यू कितनी है 10 और पी की वैल्यू 1/500, तो ये कितनी आ जाएगी 0.02। हाँ जी बेटा पुट कर दो, पावर 0/0। हाँ जी बेटा अब इसकी वैल्यू बेटा e रेज टू पावर माइनस 0.02 की वैल्यू टेबल में देख के बताओ कितनी है, e रेज टू पावर माइनस 0.002 की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखी, टेबल में बेटा देख के बताओ, टेबल आपको बुक वाली यूज करनी है अपनी बुक में, 0.9802 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी बेटा 1, तो ये आ गया 0.9802।
देयरफॉर हमारे से पूछा है नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव ब्लेड। हाँ जी बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ध्यान से सुनो, ये एक पैकेट की आई है, एक पैकेट में 10 ब्लेड थे, उन 10 ब्लेड में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है ये। और टोटल पैकेट है कितने बेटा हमारे पास, 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने पैकेट आ जाएंगे, 9,802 पैकेट। 10,000 पैकेट में से 9,802 पैकेट्स ऐसे मिलने की संभावना है जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगा। हाँ जी बेटा, 10,000 पैकेट में से 9,802 पैकेट ऐसे होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ये आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, इसका सेकंड पार्ट आप करो, सेकंड और थर्ड पार्ट आप करो, जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, सेकंड और थर्ड पार्ट फटाफट से करो। एक पार्ट कर लो, चलो सेकंड और थर्ड में से बेटा एक ही कर लो, सेकंड कर लो बस, दोनों एक जैसे हैं। हाँ जी, सचिन कह रहा है हो गया, रितिका का भी हो गया, 196 पैकेट्स आ गया, वेरी गुड। 196.04 नहीं लिखेंगे आंसर, 196, वेरी गुड। पूनम का भी आ गया रिस्पांस, विकास का भी आ गया, अभिनंदन, सुमित, साक्षी, हाँ जी बेटा, बाकी स्टूडेंट्स वो भी भेजो, अंजलि का भी हो गया। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो करना है 57th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो। हाँ जी बेटा, फटाफट से करो 57th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हाँ जी, सुमित का हो गया 57th का सेकंड पार्ट, दीपिका का हो गया, अभिनंदन का भी हो गया,
विकास का भी हो गया, सचिन चुग हो गया, ठीक है चलो जी आगे। हाँ जी बेटा बाकी बच्चे भी रिस्पांस करो फटाफट से। अंजलि का भी आ गया रिस्पांस, हो गया आशीष, गरिमा, ज्योति, वेरी गुड। चलो जी ज्योति जांगड़ा का भी हो गया, साक्षी का भी हो गया, इससे नेक्स्ट और करो बेटा 57 का थर्ड पार्ट और कर दो, 57 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी करो अभी। फिफ्टी सेवंथ क्वेश्चन का बेटा थर्ड पार्ट करो कंप्लीट फटाफट से। हाँ जी वेरी गुड 91 बॉक्सेस करेक्ट है। हाँ जी बेटा देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर बेटा ये निकाल लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 63 निकाल लो, 63 हाँ जी बेटा नेक्स्ट टाइप है फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा देखो कैसे करेंगे 63rd क्वेश्चन। फिटिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा वही है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बट इसमें आर की सभी वैल्यू 0 से लेकर एन तक जितनी भी आर की वैल्यूज पॉसिबल है सभी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 63rd क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कहते हैं। बिलो आर गिवन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ जजेस अकरिंग इन ए हाई कोर्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 96 इयर्स। हाँ जी बेटा पिछले 96 सालों में हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो वैकेंसी निकली है उसका डाटा दिया हुआ है।
हाँ जी बेटा, जैसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 59 इयर्स कोई भी वैकेंसी नहीं निकली, 27 इयर्स एक जज की वैकेंसी निकली, 9 ईयर ऐसे भी थे जिसमें दो दो जजेस की वैकेंसी निकली, और एक साल ऐसा भी था 96 इयर्स में से जिसमें तीन जजेस की वैकेंसी निकली थी हाई कोर्ट। तो फिट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करके दिखाओ और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल के दिखाओ, देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा देखो, सबसे पहले आप एक टेबल दी हुई है वैकेंसीज, और वैकेंसीज बेटा कितनी कितनी दी हुई है, 0, 1, 2, 3। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इयर्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ इयर्स कह लो या फ्रीक्वेंसी, 59 इयर्स, 27 इयर्स, 9 इयर्स और 1 ईयर, टोटल कितने इयर्स हैं, 96 इयर्स का डाटा दिया हुआ है, 96 में से 59 इयर्स में कोई भी वैकेंसी नहीं निकली थी हाई कोर्ट के जज की, 27 इयर्स एक एक वैकेंसी निकली है 27 साल, और दो वैकेंसी बेटा निकली थी कितने साल, 9 इयर्स, 9 इयर्स में टू टू वैकेंसीज निकली है, और एक साल ऐसा भी था जिसमें 3 वैकेंसी, वैकेंसीज को क्या मान लेते हैं एक्स। सबसे पहले आप एफ एक्स निकालो, मीन निकालेंगे बेटा सबसे पहले इसका मीन, ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल लो। हाँ जी बेटा ये बताना कितना आएगा, 48। चलो जी मीन बेटा निकाल लो, मीन एक्स बार समेशन एफ एक्स 48/96 कितना हो गया, ये m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू बेटा वही बनेगी जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बनेगा, वही एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा। हाँ जी बेटा, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है उसी को एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अज्यूम कर लेना, तो m की वैल्यू आ गई। अब बेटा क्या करेंगे, अब लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, अब हम निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, हाँ जी बेटा सबसे पहले आर की वैल्यू, आर कह लो या एक्स की वैल्यू, 0, 1, 2, 3। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर इसकी निकाल लो, ये तो हो गई 0 की, अब आ जाओ इसकी 1 की निकाल लो, e रेज टू पावर माइनस 0.5, 0.5 रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर इसकी निकालो 2 की, e रेज टू पावर माइनस 0.5, 0.5 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर 3 की, e रेज टू पावर माइनस 0.5, हाँ जी बेटा बताओ सभी की वैल्यूज मुझे बताओ कितनी कितनी आएंगी, रीति का बताएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बेटा चारों की वैल्यू बताओ। सर फर्स्ट की तो है 0.6065, लिख दो बेटा लिख, चलो सेकंड की, सेकंड की बताओ, चलो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ जी,
हाँ जी, नेक्स्ट कितनी आ रही है, 0.018953, और लास्ट लास्ट बेटा कितना आ रहा है, 0.001574। चलो जी, अब इन सबको बेटा कैपिटल एन, कैपिटल एन देखो ये रहा 96 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को। तो पहले फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लो 96 इंटू, फिर 96 इंटू 0.018953। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहली वैल्यू आ रही है 58.22, सेकंड वैल्यू बताओ, सेकंड आ गई 29.11, थर्ड क्या आ रही है बेटा वो देखो, थर्ड आ रही है 7.2, और फोर्थ कितनी आएगी, 96 से मल्टीप्लाई करो 15794, ये बेटा 1.2 आ रही है। ये बेटा आंसर आ जाएंगे, बुक में 58.3 दिया हुआ है, चल जाएगा इतना, कोई चक्कर नहीं है, ये एक्चुअल में टेबल वैल्यूज की वजह से होता है, टेबल वैल्यू थोड़ी बहुत बेटा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इस करके थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, ये भी चल जाएगी आंसर, ठीक है, ये आंसर बेटा टैली कर लो। बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लेना। हाँ जी बेटा, इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लेना याद से, 58.22 को 58 कर लो, नेक्स्ट को 30 कर दो, बट टोटल याद रखना, टोटल 96 ही करना है, टोटल 96 ही आना चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल भी, राउंड फिगर में कन्वर्ट करके डेसिमल में मत लिखना आंसर पेपर में। हाँ जी बेटा, क्लास बंद होने वाली है, री लॉगिन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 64 करो आप, क्वेश्चन नंबर 64 बेटा करो अभी।